हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेसियंसेस, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि किस तरह से समझें कि यदि हमारे गुरुदेव जब इस भौतिक प्रकृति को त्याग देते हैं, जब अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या उनके शरीर त्यागने के बाद भी वो हमारे साथ रहते हैं? क्या वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं? श्रीला प्रभुपाद हमेशा एक चीज़ कहा करते थे, वो कहते थे, आई शैल नेवर डाई, आई शैल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स, यानी कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं अपनी किताबों के माध्यम से सदा जीवित रहूँगा। इसका एक उदाहरण आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही सुंदर पास टाइम है श्रीला प्रभुपाद की। एक व्यक्ति था, उसने सुना था कि अगर आपको मन की शांति चाहिए तो उसके लिए आप साइलेंट मेडिटेशन करिए। अब साइलेंट मेडिटेशन क्या होती है कि आप आंखें बंद करके एक एकाग्रता से एक चित्त होकर एक वस्तु पर अपना ध्यान लगाएं, उसको साइलेंट मेडिटेशन कहा जाता है। तो वो अपनी एक लोकल लाइब्रेरी में गया और उसने एक इतनी मोटी बुक जो कि साइलेंट मेडिटेशन पर थी वो वहाँ से इशू कराई, घर लेकर गया, पढ़ने लगा। इतनी मोटी बुक लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर, पूरी बुक ख़त्म हो गई, पूरी किताब उसने पढ़ डाली लेकिन एक अक्षर एक वर्ड भी उसको समझ नहीं आया। अब बहुत एजिटेटेड हो गया वो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसी फ्रस्ट्रेशन में वापस लाइब्रेरी में गया और जैसे ही उसने वो मोटी सी साइलेंट मेडिटेशन की किताब गुस्से से लाइब्रेरी शेल्फ के अंदर डाली, इतने में उसके सर पर एक दूसरी किताब ऊपरी शेल्फ से आगे लग गई। अब उसको लगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब जैसे ही वो बुक को उठाने गया नीचे, तो वो बुक जो कि नीचे गिर गई थी उसका जो एक पन्ना खुला हुआ था, उस पेज की पहली लाइन पता है क्या थी? उस पेज की पहली लाइन थी, साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस इन द एज ऑफ कलियुगा, यानी कि साइलेंट मेडिटेशन एक बोगस फिनोमिना है इस कलियुग में। और वो बुक थी परफेक्शन ऑफ योगा, ऑथर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो वो किताब थी योग की पूर्णता, जिसके ऑथर थे श्रीला प्रभुपाद। तो उस व्यक्ति को लगा, अरे ये किताब तो मुझसे बात कर रही है, जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 1-2-3 महीनों से भाग रहा हूँ, इस बुक ने तो मेरी आंखें खोल दी, क्या ये मुझसे कोई संकेत देना चाह रही है? तो अब वो जो बुक थी वो व्यक्ति उस बुक को इशू करवा कर अपने घर लेकर गया और उसको पढ़ने लगा। और आज इस वक्त तक वो व्यक्ति हमारे इस्कॉन कॉन्ग्रीगेशन का, हमारे इस्कॉन के बहुत बड़ी फैमिली का एक अखंड हिस्सा है, वो आज प्रैक्टिसिंग डिवोटी है। तो हम देख सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद के इस परा प्रकृति को छोड़ने के बाद भी वो अपने किताबों के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जो श्रीला प्रभुपाद ने शब्द कहे कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं सदा अपनी किताबों के माध्यम से जीवित रहूँगा, ये बात एकदम सत्य है। और ये बात हम लोग धीरे धीरे रियलाइज़ भी कर सकते हैं कि प्रभुपाद हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम उनकी किताबों को रोज़ पढ़ें, हमको ये हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए कि एटलीस्ट दिन में 15-20 मिनट्स हम प्रभुपाद की किताबों को समय दें, ताकि हम प्रभुपाद से रूबरू बात कर सकें, उनसे वार्तालाप कर सकें। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने ये कहा है कि जो भी मेरी बुक्स को पढ़ेगा, जो भी मेरी बुक्स का प्रचार करेगा, वो गोलोक वापस ज़रूर जाएगा, इसकी गारंटी श्रीला प्रभुपाद लेते हैं। ऑल ग्लोरी श्रीला प्रभुपाद। तो इसी तरह हम सबको श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ती रहनी चाहिए, ताकि प्रभुपाद भी हम सबको मार्गदर्शन देते रहें। हरे कृष्णा।